वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 28 मार्च 2020 और 28 मार्च 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, लास्ट में आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो को डिस्कशन से डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया गया, यानी किस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब यह विश्व रंगमंच दिवस यानी कि वर्ल्ड थिएटर डे आखिर मनाया क्यों जाता है? तो 1961 में फ्रांस में इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी 27 मार्च को, इसीलिए हर साल 27 मार्च को यह वर्ल्ड थिएटर डे मनाया जाता है। अब बात इंपोर्टेंट डे की है और मार्च के जितने भी इंपोर्टेंट डे बनाए गए हैं मैंने आपको कई बार बता दिए हैं, तो आप वीडियो को पॉज करिए और मार्च में जितने भी इंपोर्टेंट डे मैंने आपको बताए हैं सारे बिल्कुल सीक्वेंस में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अच्छा, जितनी भी बार मैं ये लिखने को बोलता हूं सिर्फ 10% लोग ही लिखते हैं और मैं आपको एक बार 100% कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं, जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक चीजें आपको याद नहीं होंगी। होता क्या है, हमें लगता है कि हमें चीजें याद हैं और हम कॉन्फिडेंट रहते हैं, लेकिन जब हम लिखने बैठते हैं या जब हमारे आंखों के सामने क्वेश्चन आता है उस टाइम हम भूल चुके होते हैं। तो ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हमको लगता है कि याद है लेकिन याद नहीं होता। जब तक आप 2-3 बार किसी चीज को लिखोगे नहीं तब तक आपके माइंड में वो चीज अच्छे से सेट नहीं होगी। इसलिए जब भी मैं आपको लिखने को बोलता हूं आप लिखा करो। मैं आपको खुद बता रहा हूं, मैं भी बहुत सारी चीजें खुद लिखता हूं, आज की डेट में भी मैं बहुत सारी चीजें खुद लिखता हूं, जबकि मुझे बहुत सारी चीजें याद हैं फिर भी मैं उन्हें लिखता हूं, क्योंकि लिखने से क्या होता है आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। तो जब भी मैं आपको लिखने को बोलूं आप कमेंट बॉक्स में लिखा करो। तो मार्च में जितने भी इंपॉर्टेंट डे मैंने आपको बताए हैं सारे बिल्कुल सीक्वेंस में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो, आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने COVID-19 पुनर्वास एवं राहत कोष की स्थापना की है? तो अभी CII ने COVID-19 पुनर्वास एवं राहत कोष की स्थापना की, यानी किस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब ये क्या है, पुनर्वास एवं राहत कोष? तो MSME में जितने भी लोग काम करते हैं अगर उनमें से कोई भी कोरोना वायरस से पीड़ित होता है तो उसके लिए है ये पुनर्वास एवं राहत कोष और CII ने इसकी स्थापना की है। CII इसकी फुल फॉर्म क्या है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1895 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, न्यू दिल्ली में, और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है, विक्रम श्रीकांत किर्लोस्कर। कौन है, विक्रम श्रीकांत किर्लोस्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की अध्यक्षता में G20 देशों का वीडियो सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो अभी सऊदी अरब की अध्यक्षता में G20 देशों का एक वीडियो सम्मेलन आयोजित किया गया, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में ये जो सम्मेलन है ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुआ है और इसमें G20 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया और ये सम्मेलन सिर्फ कोरोना वायरस के बारे में डिस्कशन करने के लिए हुआ है। जितने भी G20 के मेंबर हैं उनमें कोरोना वायरस के बारे में डिस्कशन करने के लिए ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू सम्मेलन हुआ और इसकी अध्यक्षता सऊदी अरब ने की। अब सऊदी अरब ने की तो ये है मैप में सऊदी अरब। सऊदी अरब की कैपिटल क्या है, रियाद। सऊदी अरब की करेंसी क्या है, सऊदी रियाल। और सऊदी अरबिया के प्रेजेंट टाइम पे किंग कौन है, सलमान ऑफ सऊदी अरबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक घरेलू संगरोध केंद्र बनाने की घोषणा की है? संगरोध केंद्र यानी कि क्वारंटीन सेंटर। तो एक डोमेस्टिक क्वारंटीन सेंटर बनाने की घोषणा की है असम ने, तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। असम में एक स्टेडियम है, सूरज जाई स्टेडियम, इसी स्टेडियम में ये एक डोमेस्टिक क्वारंटीन सेंटर बनाया जाएगा और असम के जितने भी कोरोना वायरस से पीड़ित लोग हैं उनको इस सेंटर में रखा जाएगा और उनकी पूरी की पूरी देखभाल असम गवर्नमेंट करेगी।
अब असम ने ये घोषणा की है, तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और असम के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। अच्छा, असम की बात आई है तो काजीरंगा नेशनल पार्क भी माइंड में आना चाहिए। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? असम में है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ये चीजें आपको याद हो गई होंगी, अगर आप डेली मॉर्निंग में उठकर ये वीडियो रेगुलर देख रहे होंगे तो ये चीजें डेफिनेटली आपको याद हो गई होंगी। और मैं आपको कई बार बोल चुका हूं, मॉर्निंग में बिस्तर छोड़ने से पहले ये वीडियो देखने की आप हैबिट बना लीजिए। मैं डेली 4 बजे इस वीडियो को अपलोड कर देता हूं, तो मॉर्निंग में बिस्तर छोड़ने से पहले ये वीडियो देखने की अगर आपने हैबिट बना ली तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका करंट अफेयर्स का एक सिंगल भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सतीश गुजराल का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो सतीश गुजराल ये एक प्रतिष्ठित मूर्तिकार थे। यानी किस क्वेश्चन का? सी ऑप्शन सही है, ये थे सतीश गुजराल। और इनको 1999 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पद्म विभूषण, इसी से इनको 1999 में सम्मानित किया गया था। ये एक प्रतिष्ठित मूर्तिकार थे और ये एक आर्किटेक्ट भी थे। आर्किटेक्ट के रूप में ये ज्यादा फेमस रहे। दिल्ली में कई फेमस गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को इन्होंने डिजाइन किया था, जिसमें से दिल्ली हाई कोर्ट भी एक है, तो इनका नाम आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे IIFTC टूरिज्म इंपैक्ट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो अभी जोया अख्तर को IIFTC टूरिज्म इंपैक्ट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, ये है जोया अख्तर। इन्हीं को अभी IIFTC टूरिज्म इंपैक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। अच्छा, ये जो IIFTC लिखा है इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है इंडिया इंटरनेशनल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव। क्या है? इंडिया इंटरनेशनल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव। सिनेमा के जरिए विश्व पर्यटन में इनके द्वारा जो योगदान दिया गया है उसकी वजह से इनको ये IIFTC टूरिज्म इंपैक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आइजैक परियोजना शुरू की है? तो अभी IIT गांधीनगर ने आइजैक परियोजना शुरू की। यानी किस क्वेश्चन का? ए ऑप्शन सही है, सर आइजैक न्यूटन के नाम पर है ये आइजैक परियोजना। और कोरोना वायरस की वजह से आपको पता है अभी बहुत सारे स्टूडेंट की छुट्टी है, ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट की छुट्टी है और सब भी स्टूडेंट घर पर हैं, तो छात्रों के महत्वपूर्ण कौशल को बढ़ावा देने के लिए IIT गांधीनगर ने ये आइजैक परियोजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सैन्य संचार के लिए अत्यधिक उन्नत हाई फ्रिक्वेंसी उपग्रह लॉन्च किया? तो अभी अमेरिका ने ये सैटेलाइट लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, ये एक एडवांस्ड एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी सैटेलाइट है और इसे अमेरिका ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वेट लॉस के लिए फिट इंडिया मूवमेंट के साथ साझेदारी की है? तो अभी शिल्पा शेट्टी ने वेट लॉस के लिए फिट इंडिया मूवमेंट के साथ साझेदारी की। यानी किस क्वेश्चन का? सी ऑप्शन सही है, देश के नागरिकों को फिट रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेल दिवस के अवसर पर यह फिट इंडिया मूवमेंट शुरू किया था और इसी के साथ वेट लॉस के लिए शिल्पा शेट्टी ने साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में COVID-19 के इलाज के लिए देश का सबसे बड़ा अस्पताल कहां स्थापित किया जाएगा? तो अभी उड़ीसा में COVID-19 के इलाज के लिए देश का सबसे बड़ा अस्पताल स्थापित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है और उड़ीसा गवर्नमेंट ने इसके लिए कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के साथ साझेदारी की है। अब उड़ीसा की बात है तो कल ही मैंने आपको आप उड़ीसा के बारे में बताया है, अगर आपको याद है तो आप मेरे साथ साथ बोलिए। यह है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप और व्हीलर द्वीप का नाम बदल के APJ अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है और इसी द्वीप पर अग्नि 5 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ है। अच्छा, चिल्का लेक कहां पे है? यह भी उड़ीसा में है। और सिमलीपाल नेशनल पार्क कहां पे है? यह भी उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने UPI QR आधारित ऋण किस्त भुगतान सुविधा शुरू की है? तो अभी जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने UPI QR आधारित ऋण किस्त भुगतान सुविधा शुरू की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब यह सुविधा क्या है? इसमें जितना भी इसके कस्टमर हैं अगर उन्होंने लोन लिया है तो वो QR कोड के थ्रू अपने लोन की किस्त दे सकते हैं। तो इस सुविधा को जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने शुरू किया है और जन स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे है? बेंगलुरु में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे CEO कौन है?
अजय करनवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सेफ फ्लॉयड कार्डोज का निधन हुआ है, वे किस देश के थे? तो फ्लॉयड कार्डोज ये भारतीय मूल के थे, यानी किस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, भारतीय मूल के थे लेकिन यूएसए में रहते थे और अभी 18 मार्च को ये कोरोना वायरस के पॉजिटिव पाए गए, उसके बाद इनको हॉस्पिटल में ले जाया गया और वहां पे इनकी मृत्यु हो गई है। तो इनका नाम आपको याद रखना है फ्लॉयड कार्डोज, ये एक अंतरराष्ट्रीय सेल थे। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर, लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में कोविड-19 के खिलाफ फीफा के जागरूकता अभियान के लिए किसे चुना गया है? तो अभी सुनील छेत्री को कोविड-19 के खिलाफ फीफा के जागरूकता अभियान के लिए चुना गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट्स का आंसर सही दिया है। मोस्टली स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल में लिखा, मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मो जीवन कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना, आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।